ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं 13 जून रविवार आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा, और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे। और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा और आप अपनी पूरी मेहनत से आज के दिन को और भी बहुत अच्छा बना लेंगे। साथ ही आपके कार्यों में सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धन के मामलों में भी आज आप भाग्यशाली साबित होंगे और आमदनी में बढ़ोतरी का कोई ना कोई जरिया आपको आज मिल ही जाएगा। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, घर परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि आज का दिन उत्तम रहेगा, परंतु किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। स्वास्थ्य उत्तम हो तभी यात्रा करें। आज खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आमदनी भी बेहतर रहेगी। प्रेम जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे, अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना आपको मानसिक रूप से फिट और तंदुरुस्त रखेगा, जो आपके लिए भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। साथ ही आज काफी व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। आज घर परिवार में किसी सदस्य से कासुनी होने की संभावना बन रही है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें, साथ ही साथ संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको इनकी तरफ से परेशानी उत्तर हो सकती है। और साथ ही अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर भी पूर्ण नजर रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और साथ ही पैसों के लेन देन में भी जरूरी सावधानी रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र और व्यापार में तरक्की मिल सकती है, साथ ही व्यापार में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को अनचाही यात्रा भी आज करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल नहीं होगा, इसका आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर चल रहा मतभेद दूर हो सकता है, आप मामले को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता और प्रेम का माहौल बना रहेगा, और साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में समय बिता रहे लोगों को सफलता प्राप्त होगी, किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वाहन और मशीनरी के प्रयोग से सावधानी रखें, और साथ ही अधिक दूरी की यात्राओं से शारीरिक थकान और मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिर दर्द और बदन दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप ये उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान आदि के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें, और साथ में 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की मदद करें, दान करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय सूर्य देव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।